5 साल पहले काम करता था, लेकिन आज भी बोलता है कुछ नया रहा तो मेरे को दे, अभी हमारे यहाँ से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ आज कुछ चलो भाई। अभी आज दूंगा सरप्राइज हो जाएगा रे भाई। दीपेश का क्या? दीपेश का नंबर देता हूँ, सौरभ का नंबर देता हूँ, दो इम्पोर्टेंट मुंबई के है। वंदे भारत ट्रेन है उसका पूरा सेट रेडी किया हुआ है। ये जो वंदे भारत ट्रेन जो अभी चल रही है, अभी ये 30 तारीख को अपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, ऑरेंज कलर में, केसरिया रंग में, तो उसका पूरा सेट रेडी किया हुआ है। ये अभी 9 वंदे भारत ट्रेन अभी लॉन्च होने वाली है 30 तारीख को पूरे इंडिया में। इसमें मैंने प्लाईवुड यूज़ किया हुआ है, सनबोर्ड यूज़ किया हुआ है, एलईडी लाइट्स यूज़ किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो ग्लास लगाया हुआ है, टाटा कार का ग्लास है, इंडिका का ग्लास है। मतलब ये एवरी ईयर में जो इंडिया में डेवलपमेंट होता है वो स्केल पे मैं पूरा मेरा डेकोरेशन में सेट करता हूँ। इसके पहले मैंने चंद्रयान 2 किया था, राम मंदिर किया था, कोस्टर रोड किया था, कोवैक्सीन किया था, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है यूनिटी वो किया था, वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज है वो किया था। तो ये एवरी ईयर जो इंडिया में डेवलपमेंट होता है वो स्केल पे मैं डेकोरेशन करता हूँ। ये थीम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये थीम के जरिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेकिंग इंडिया का जो अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया हुआ है, ये एक सेमी बुलेट ट्रेन तरीके से अभी अभी इसको यूज़ करते हैं। अभी आने वाले सालों में जो बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा तो दुनिया में भारत का भी नाम रोशन हो जाएगा। कितने समय से आप तैयारी करते हैं, कितने दिनों में इस तरह का डेकोरेशन आपने तैयार किया? ये जनरली 1.5-2 महीने पहले मैं सेट रेडी कर देता हूँ कि इस साल ये बनाना है, और इसको मुझे रेडी करने को 15-20 दिन लगे थे। आप देख सकते हैं गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी वंदे भारत ट्रेन पे बैठे हुए, और ये मिट्टी की मूर्ति है पूरी। तो गणेश भक्तों के लिए यही करूँगा कि आने वाले सालों में आपको अच्छी ट्रेन सुविधा मिलेगी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी ट्रेन्स वगैरह में। ये वंदे भारत ट्रेन अभी काफ़ी बहुत स्पीड से लॉन्च कर रहे, काफ़ी वंदे भारत ट्रेन अभी लॉन्च होने वाली है आते आते सालों में।